आज हम एक बाग पर आए हुए हैं पंजाब में। यहाँ पर इन पौधों को हमने अक्टूबर 2021 में लगाया था। ये पौधे एक साल में एक महीना कम है और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ लोग है। मुझसे ये पूछते हैं कि सितंबर का माह आ गया और त्यागी जी आप कहते हैं कि पौधों की कटिंग करनी चाहिए। अब हम इनकी कटिंग करेंगे और कटिंग इस प्रकार करेंगे कि इनकी कैनोपी पूरी हो जाए। देखिए कितना अच्छा पौधा है, ये देखिए। और इनकी कटिंग जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे कटिंग। इनकी पहले मैं इस पौधे को लेता हूँ। इस पौधे में देखिए एक ये बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है जिसको आपको ध्यान देना है। पहला कार्य ये करना है, जो इसकी ये ग्राफ्ट है, ये वाली जो टहनी है, ये थोड़ी मेरे को, वैसे तो पौधा सही है, ये जो टहनी है इसकी ग्राफ्ट के ऊपर से है। वैसे तो ये जो सूट है वो नहीं है, फिर भी हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ये हमने हटा दी। पहला कार्य ये करना है कि हमें इसमें 1 फीट तक कोई भी शाखा नहीं रखनी है। दूसरा काम ये करना है, ये जो ग्राफ्ट की डंडी है, ये वाली सूखी हुई है, इसको भी आप काटिए। और ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर ये मोटी टहनी कटी है यहाँ पर आप बोर्डो पेस्ट या COC का घोल अवश्य लगाएंगे। अब ये मेरा पौधा बिल्कुल नीचे से ठीक हो गया। ये डंडी है इसकी, ये सहारा नहीं दे रही, तो थोड़ी मिट्टी लगाएंगे हम इस पर और बताएंगे इसमें क्या खाद पानी लगाना है। आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। किसान साथियों, ये देखिए, जब हमने पहली कटिंग करी थी यहाँ से 2 फीट से, तो इसकी चारों शाखाएं निकली थी। 1 2 3 4 5, 5 शाखाएं हैं जो ये ऊपर जा रही है और ये सब साइड में जा रही है। अब हमें इसका कैनोपी की ये अंतिम कटिंग है, इसके बाद आपको कटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला काम ये करिए कि यहाँ से लेकर इस टहनी को काटना है और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी कलियाँ भी आ रही है। ये सारी कलियाँ आपको हटानी है, फूल भी हैं। देखिए ये ललित का पौधा है, कितनी कलियाँ है इसका, ये सब हटानी है। ये टहनी देखिए, ये यहाँ तक पकी टहनी है, जहाँ तक ये हरी शुरू होती है वहीं से एक तिरछा कट दीजिए और इसको इस प्रकार काट दीजिए। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन करिए, आपको फायदा होगा। ये देखिए बिल्कुल उसी उसमें हम इनको करेंगे। ये हो गई, ये वाली टहनी है, इसको यहाँ से कट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो नई शाखाएं निकल रही हैं यहाँ से, और शाखाएं फूटेंगी और पौधा पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसको यहाँ से काट देंगे। इसी प्रकार ये वाली जो है इसको यहाँ से काटेंगे। ये जो छोटी छोटी हैं इनको हटा दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ से काट दीजिए। ये टहनी ऊपर जा रही है हमारी, बहुत अच्छी है, जिस प्रकार ये छोड़ी है, इसको यहाँ से जो है इसको हटा दीजिए। इसको भी हटा दोगे और इसको भी, ये बीच में से जहाँ से हो कम से कम 1 फुट की दूरी रहनी चाहिए आपको। इसको किसान साथियों, इस टहनी को जरा ध्यान से देखिए। एक मेथड होता है अल्टरनेट मेथड, कि आप देखिए एक पत्ते से ये टहनी निकली है, इसको रखना है यहाँ पर। एक ही जगह से 2 टहनियाँ निकली है, एक इधर को निकली है एक इधर को निकली है। इनमें से हमें एक ही रखनी है जो अंदर की तरफ जा रही है, इसको हटा दीजिए। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको रख लीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ये देखिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसके चारों तरफ घूमकर कि ये पौधा कितना अच्छा हो गया और इसके क्या फायदे होंगे। जब मैं आपको फरवरी में दिखाऊंगा इस पौधे को, तो ये इतना बड़ा हो चुका होगा और इसके ऊपर अब आपको COC का स्प्रे करना है, ताकि जो ये कट लगाए हैं हमने,
ये जो कट लगाए हैं ये वाले, ये थोड़ा तिरछा 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, और यहाँ पर हम COC का स्प्रे करेंगे ताकि जो पानी जाए उससे कोई फंगस ना आए। वैसे फंगस कम ही होगी। ये भी ध्यान रखें, जो एक ही जगह से दोनों टहनियाँ निकल रही हैं उनमें से जो ऊपर की तरफ टहनी चल रही है उसको रखना है और इस नीचे वाले को करना है। एक ये और टहनी है, ये भी ऐसी है, ये बाहर को जा रही है और अंदर को एक ही जगह से है, इसको भी हम हटा देंगे। ये अब आपकी इसकी कटिंग पूरी हो गई। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, एक फिट तक आप कुछ नहीं रखेंगे, एक फिट तक बिल्कुल साफ कर देंगे। आप चाहें तो इसकी ये डंडी भी हटा सकते हैं और इसको थोड़ी यहाँ पर मिट्टी दबाकर और पौधे को बिल्कुल सीधा जो इसमें जो दूसरा कार्य है स्प्रे से पहले, इसमें कहीं भी अधिकतर आपकी जो कलियाँ हैं वो ख़त्म हो गई, अगर कोई कलियाँ होंगी तो उनको आप काट देंगे। ये बहुत ध्यान रखना है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ये जो है एक जगह पर दोनों, जो एक नोड है इसकी, इसके दोनों तरफ टहनियाँ नहीं चलनी चाहिए। आइए एक पौधे की और कटिंग देखते हैं। इस पौधे पर देखिए, इस पर भी कितनी कलियाँ आई हुई हैं, तो हम इसको भी यहाँ से इसको कट कर देंगे। ये बड़ी है डंडी, इसको रख लेंगे, इसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे। जो बारीक बारीक टहनियाँ हैं इनको हटाएंगे। ये यहाँ से देखिए, ये दिखाओ जरा, ये देखिए यहाँ से ये दोनों टहनियाँ चल रही हैं, जो इस तरफ जा रही है उसको हटा देंगे, जो ये अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है इसको हटा देंगे, ये हटा देंगे और इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ध्यान रखना है आपको पका हुआ हिस्सा काटना है। ये जो नीचे वाली है इसको भी हटा देंगे, ये पकी हुई है इसको भी हटा देंगे, इसको भी चलने देंगे। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पर फिर यही है कि दो टहनियाँ हैं, इसको हटाएंगे हम, ये छोटी वाली रखेंगे और इसको हम यहाँ से काट देंगे, ये काट देंगे और इसके ऊपर जो है ना यहाँ से ये दोनों ये हटा देंगे। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है, ये नीचे वाली हटाएंगे, ऊपर को चलने देंगे, ये वाली काट देंगे और ये वाली काट देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि हमने तो पाले थे और त्यागी जी ने सारे पौधे काट दिए। इसका मुख्य कारण ये है कि अब सर्दियों में जब हम इसमें खाद लगाएंगे तो वो खाद सर्दियों में इसकी अभी 15 नवंबर तक बढ़वार होगी। इसमें हम क्या स्प्रे करेंगे वो मैं बताऊँगा, क्या खाद देंगे वो मैं बताऊँगा, और इसमें नए कल्लों का सृजन होगा, नई टहनियाँ निकलेंगी, तो पौधा आपका इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो ये अंदर की तरफ होती हैं जहाँ से एक ही नोड से दोनों टहनियाँ निकलती हैं उनमें से एक को हटा दें, और कोशिश करिए कि जो अंदर की तरफ है उसको हटाएं। अब हम इसमें खाद का प्रबंधन करेंगे। ये एक साल का पौधा है साथियों, अभी 11 महीने का हुआ है, तो इन्हें एक दो दिन इसमें कटिंग करने में लगेगा। वैसे तो ये फोर्स है, अभी 2-3 घंटे में कर देगी। एक डंडी लीजिए, एक फिट की डंडी है, इसको ले लीजिए और यहाँ से देखिए। ये इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल एक फिट ही करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आपकी अच्छी टहनी है जैसे ये वाली है, बहुत अच्छी है, इसको आप रख सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं, और यहाँ से एक फिट दूर, तने से एक फिट दूर यहाँ पर हमको, ये एक फिट हुआ यहाँ पर, और इतनी दूरी में हम इसमें यहाँ पर खाद लगाएंगे, ये इतनी दूरी। ध्यान रहे कि इसका जो बुहाई होगी वो यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए, एक फिट से भी 2-3 इंच आगे इधर, और एक फिट से भी अगर आप देखेंगे यहाँ से बाद में यहाँ पर उस 1.25 फिट के करीब आपको अभी इसमें यहाँ पर बुहाई करनी है। तो जो ये हम कार्य करेंगे, मैं बताता हूं, कोई घास हो उसको हटा दीजिए, इसके पास थोड़ी मिट्टी ये खोल दो। ओहो, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको अच्छी तरह जो छेद हुआ था बंद कर दीजिए, और इसको ग्राफ्ट के पास तक आप यहां तक
अच्छी तरह से ऐसे थपेड़ा लगा दीजिए, कम से कम 6 इंच चारों ओर। जो ये डंडी है मेरी, इसकी आधी यहाँ तक चारों ओर इस पे हल्की मिट्टी लगाइए, ऐसे कर दीजिए, दबा दीजिए इसको अच्छी तरह से, ताकि हमारा पौधा जब हम फ्लड से पानी देंगे वो यहाँ नहीं आएगा। और ये लगभग 3 से 4 इंच मिट्टी लगा दीजिए। ध्यान रहे अभी ये ग्राफ्ट नहीं आएगी। और देखिए ये करते हुए थोड़ा सा घाव लग गया इसको पौधे को, तो यहाँ से फंगस का अटैक हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पर कोपरोक्सीक्लोराइड लगा देंगे। ये हो गया। अब जो ये एरिया बचा है, देखिए मैं खोद कर दिखाता हूँ आपको। देखिए आप ध्यान से देखें, इधर लियाओ, इसकी जड़ें यहाँ तक आई हुई हैं। ये देखिए पौधे की जड़ें ये हैं, देखिए कितनी साफ जड़ें हैं ये जड़ें। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी हमें जड़ों को बढ़ने देना है। और ये जो 1 फीट की दूरी है, यहाँ पर हम खाद लगाएंगे। देखिए 1 फीट पर कोई जड़ नहीं होगी यहाँ पर। तो ये जो है ना रखना है हमारे को, और यहाँ पर हमारे को खाद लगाना है। इतना बनाओ भाई, इतनी दूर, 1 फीट दूर चारों ओर, यहाँ तक ये ऐसी नाली। बार कहता हूँ कि जो कैनोपी होती है उसकी जड़ें यहाँ तक होती हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 फीट पर भी जड़ें हैं इसकी, ये देखिए जड़ें। तो हमें इसके पास कुछ नहीं लाना है। मैंने अक्सर देखा है किसानों को कि यहाँ तक अपनी बुहाई कर देते हैं। तो ये 1 फीट अभी भी देखिए, इस लड़के ने एक गलती की है। ये देखिए, ये मैंने 1 फीट कहा था और इसने 1 फीट के अंदर ले लिया। तो ये ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक करो, इसको इसको हटाओ। ये कार्य करने के बाद में जो ड्रिंचिंग होगी आपकी, वो ड्रिंचिंग इस एरिया में होगी, यहाँ पर हल्का सा कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। और जो खाद का एरिया है वो ये है, और ये हर साल बढ़ता चला जाएगा। जब हम इसमें फरवरी में खाद लगाएंगे तो वो खाद यहाँ पर आएगी, 6 इंच इधर हो जाएगी। तो अभी इस एरिया में हम खाद डालेंगे। खाद में क्या होगा, 10 किलो हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास मिलाया हुआ है, वो डालेंगे। और उसके ऊपर प्रति पौधा 80 से 100 ग्राम डीएपी और 100 ग्राम पोटास, जो 60% वाला होता है, वो डालेंगे। और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट 10 से 15 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे। आप सिर्फ इन 3 चीज़ों को डालकर, और इसको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर फैला देंगे और इस मिट्टी को ढक देंगे। मेन ध्यान ये रखना है कि आपको वो खाद ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए। और जब हम इसको ढक देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप नाली बनाइए। ये चूंकि फ्लड मेथड है, यहाँ पर 6 इंच से 1 फीट की नाली इधर बनाइए और 6 इंच से 1 फीट की नाली इधर बनाइए यहाँ पर, और इसको भर दीजिए। जो जड़ें हैं यहाँ से, वो अपने भोजन को ढूंढती हुई यहाँ आएंगी, क्योंकि यहाँ जब पानी आएगा तो इसकी जो सिलाबी है, जो नमी है, वो यहाँ तक पहुँचेगी। हमें तने को पानी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ तक पहुँचेंगी और ये जड़ें बड़ी तेज़ी से अपने खाद को ढूंढती हुई निकलेंगी और यहाँ पर पानी दे दिए। किसान साथियों, जब हम फरवरी में आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये पौधा इतना बड़ा हो चुका होगा। और हम इसको फरवरी में कोई कार्य नहीं करेंगे, एक बार फिर खाद लगाएंगे। और फिर मई में, जो मई 15 मई के बाद, यहाँ का जो वातावरण है वो 15 मई के बाद बहुत सूटेबल है। इसमें फरवरी में बहुत कलियाँ आएंगे, हम उनको सबको तोड़वा देंगे। उसके बाद स्प्रे हम इसलिए नहीं करेंगे कि पौधे अभी छोटे हैं, 2 साल से पहले पौधों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो जब हम इसको मई में आएंगे तो हल्की हल्की कटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसकी आगे की रोक देंगे बढ़ना। और आप देखना कितनी फुटान होगी। और मेरा उम्मीद है कि 5 से 10 किलो के बीच में इस पर प्रति पौधा अमरूद आएगा, जो सर्दियों का अमरूद होगा। और 2024 की फसल देने के लिए ये पौधे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, दोनों तरफ से मिलने लगेंगे। तो आपको भरपूर, कम से कम 40-40 किलो तक, 50-50 किलो तक ये पौधे फल देंगे। किसान साथियों, ध्यान यही रखना है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि इसके आसपास सफाई करिए। 1 फीट, ये चूंकि 1 वर्ष के पौधे हैं, 1 फीट दूर रखिए।
यहाँ पर ये नाली बनाइए, इसमें खाद दीजिए और फिर इतनी दूर पानी दे दीजिए। पानी इसके पास नहीं, नाली बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं बनाएंगे तो भी चलना है कि पानी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, कटिंग के बाद COC का स्प्रे करना ना भूलें, और प्रत्येक 15 दिन में इसमें 19-19-19 का स्प्रे करिए और थोड़ी ड्रिंचिंग भी कर दीजिए, लगभग 1 लीटर इसकी जड़ों में डाल दीजिए। आप देखिए पौधे कितनी तेज़ी से, और 15 नवंबर के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा जब बहुत सर्दी पड़ेगी थोड़ा सा सल्फर का स्प्रे करेंगे या पानी का ध्यान रखेंगे। अगर सर्दियों में पानी की नमी बनाए रखेंगे तो आपके पौधों पर पाले का कोई असर नहीं होगा। ये थी मेरी प्रस्तुति कि आप 1 वर्ष के पौधों की किस प्रकार सुरक्षा करेंगे और किस प्रकार उनमें खाद पानी लगाएंगे और कटिंग किस प्रकार करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।